मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऐसे जजमेंट का जिसमें पत्नी के भरण पोषण और एलिमनी के बारे में महत्वपूर्ण बात बताई गई है। और माननीय कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता निर्धारित करने के लिए केवल वेतन पैकेज पर ही विचार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मेंटेनेंस की धनराशि निर्धारित करते समय विवाह की अवधि, अलगाव की अवधि, पक्षों का पुनर्विवाह और उनके आगे की वित्तीय जिम्मेदारियों जैसी अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि सभी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा हमेशा कम पड़ सकता है, इसलिए न्यायालय गुजारे भत्ते की धनराशि निर्धारित करने के लिए केवल पक्षों के वेतन पैकेज को नहीं देख सकते। वाइल मनी में ऑलवेज सॉट टू फुलफिल ऑल ह्यूमन नीड्स, द कोर्ट्स मे नॉट लुक एट द पे पैकेज ऑफ द पार्टीज एलोन टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एलिमनी दैट वुड बी अवार्डेड। यह मामला फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 19 के तहत अपील में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई थी और इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत दी गई एलिमनी का विवाद था, जिसमें प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कानपुर नगर ने डिक्री पारित की थी और लमसम 1,40,000 रुपये एलिमनी के लिए पत्नी को देने का आदेश पारित किया था तथा एक अन्य डिवोर्स डिक्री में पुत्री के पक्ष में भी पारित भरण पोषण की धनराशि 38,000 रुपये को एडजस्ट करने का भी आदेश दिया गया था। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर ये अपील दायर की गई थी। इस मामले में तथ्य यह था कि दोनों पक्षों की शादी 18 जून 1993 में हुई थी और 1994 में उनकी एक बेटी हुई। दोनों पक्ष 8 अगस्त 1994 से अलग अलग रह रहे थे। 6 जून 1995 को अपीलकर्ता पत्नी और बेटी को धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के रूप में 500 रुपए देने का आदेश पारित हुआ था, जिसे 17 जुलाई सन 2000 में भरण पोषण की राशि को धारा 127 सीआरपीसी के तहत बढ़ाकर संशोधित कर 1,000 रुपए कर दिया गया था, लेकिन पति ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया और सभी बकाया धनराशि की वसूली के लिए बाद में इजरा की कार्रवाई एग्जीक्यूशन की कार्रवाई के तहत दिनांक 13 जनवरी 2011 को एक समझौते की कार्रवाई में आदेश पारित हुआ, जिसमें यह दर्ज किया गया कि अपीलकर्ता पत्नी को 25,000 रुपये का भुगतान किया गया और अगले दिन प्रतिवादी पति द्वारा 13,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस मामले में क्रूरता के आधार पर पति के पक्ष में दिनांक 23 मार्च 1999 को तलाक मंजूर हो चुका था। दूसरी ओर न्यायालय ने पाया कि पत्नी निजी ट्यूशन शिक्षिका थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, जबकि पति जिला न्यायालय में क्लर्क का काम करता था। यह पाया गया कि प्रतिवादी पति ने दूसरी शादी कर ली थी, दूसरी शादी से उसके 3 बच्चे हैं तथा वह अपने भाई बहनों की भी देखभाल के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। यह देखते हुए कि दोनों पक्ष बहुत कम समय तक एक साथ रहे थे तथा पति ने दूसरी शादी कर ली थी, उस पर अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां भी थीं, न्यायालय ने माना कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए गुजारा भत्ते में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और पत्नी को इस शर्त पर धनराशि पाने का हकदार माना कि यदि वो दोनों माँ बेटी फैमिली कोर्ट में एक अंडरटेकिंग देती हैं कि वो अपने सभी पेंडिंग मुकदमे 4 माह में वापस ले लेंगी और कोई नया सिविल या क्रिमिनल केस पति के खिलाफ नहीं दायर करेंगी तो उनके पक्ष में धनराशि रिलीज होगी, अन्यथा फैमिली कोर्ट में जमा धनराशि पति को वापस दे दी जाएगी। द अमाउंट सो डिपॉजिटेड मे बी रिलीज्ड इन फेवर ऑफ अपीलांट नंबर 1 सब्जेक्ट टू बोथ अपीलांट्स गिविंग एन अंडरटेकिंग बिफोर द लर्नेड कोर्ट बिलो टू विड्रॉ फ्रॉम ऑल केसेस प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट इंक्लूड दोज सीकिंग मोर मनी आइदर टूवर्ड्स एलिमनी और मेंटेनेंस एंड फर्दर अंडरटेकिंग नॉट टू इंस्टीट्यूट एनी अदर प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल इफ नो सच अंडरटेकिंग इज फर्निश्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स द अमाउंट मे बी रिटर्न टू द रिस्पोंडेंट फोर्थ विद विद दीज ऑब्जर्वेशन द अपील इज पार्टली अलाउड। इस प्रकार पत्नी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।
मित्रों, इस केस का टाइटल है किरण गुप्ता एवं अन्य बनाम रामजी गुप्ता। विस्तृत विवरण और जजमेंट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये थी नवीनतम निर्णय की जानकारी। कानून की ऐसी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।